एक सेकंड। ओके तो गाइस जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि जब अप ट्रेंड होगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी जो परेशानी होती थी वो ये होती थी कि लोग कहते थे, अच्छा ठीक है यार, ये यहां से ऊपर गया, इसने इसको तोड़ा, तो आप पोजीशन को बना लो, ठीक है, या फिर यहां पे पोजीशन को बना लो और स्टॉप लॉस जो है वो एक लेवल पीछे के लो का रखो। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप अगर पोजीशन को कुछ इस जगह पे, आपको समझ में आया, आप पोजीशन को इस जगह पे बना रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे का रखना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, यस तो अब ये जो तरीका आपने सीखा है आज, ठीक है, अभी शॉर्ट का भी देख लेते हैं, पर ये जो तरीका आपने सीखा है उसमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप एंट्री यहां पे कर रहे हो और ये वाला जो लेवल है वो 5% या 10% नीचे है, ठीक है, तो पहली चीज तो है अफोर्डेबिलिटी। इतना बड़ा मार्क टू मार्केट रखना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। ठीक है, तभी तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आपको लाखों रुपया चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। करेक्ट? तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आइडिया ये होता है कि अगर आप पोजीशन को यहां पे डिटेक्ट कर सको, मान लो इस वाली जगह पे डिटेक्ट कर सको, तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां पे रख के आप ये वाला जो मूवमेंट है, इस वाले मूवमेंट को शायद इस वाली जगह तक कैप्चर कर सकते हो, ये वाला जो पोजीशन है। तो इसमें आपको फायदा ये होगा कि आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं, यहां से लेके यहां तक रखने की जरूरत नहीं। आप अगर स्टॉप लॉस को यहां से लेके यहां तक भी रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको गलत होना होगा तो ये यहां से घूम जाएगा और नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस आपका यहां भी हिट होना है, वो स्टॉप लॉस आपका यहां भी हिट होना है। समझ रहे हो बात को? तो क्यों ना 1 रुपए का नुकसान कर लूं और 100 रुपए का नुकसान बचा लूं, मतलब तब भी तो मुझे 99 रुपीज का फायदा ही होने वाला है ना, क्योंकि यहां पे जाके स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, और 100 रुपए उड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 1 रुपए में ही काम बन जाए। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज को डिवाइस आउट किया था मैंने। तो एक मिनट, आप लोगों को आवाज और वीडियो दिख रहा है क्या? मेरा कर्सर दिख रहा है? यस सर, ठीक, ओके। अब मारुति देखते हैं थोड़ा। इस वाली जगह पे कुछ बड़ा है? पर ये और बढ़ गया है, कूल ऑफ नहीं हुआ है अगले दिन। ठीक है, अच्छा कूल ऑफ को मैं क्यों देखता हूं, ये चीज मैंने फंडामेंटली समझाई हुई है आपको ट्रेनिंग्स में। सप्लाई और डिमांड चेक कर। एक्सेलेंट, सप्लाई और डिमांड को चेक करने के लिए। तो यहां पे फिर बढ़ गया है, यहां पे इस दिन से घटा है, तो अब देखते हैं, हाई यहां पे है, लो यहां पे है, लास्ट प्राइस यहां पे है, इज इट साइडवेज और व्हाट? ठीक है, यहां पे बढ़ा है पर उसके दिन फिर, अगले दिन फिर बढ़ गया है, तो ये हाई है, ये लो है, ठीक है। उसके अगले दिन जब घटा है तो क्लोज प्राइस, सॉरी लास्ट प्राइस जो है वो नीचे है, ऊपर है? नीचे नीचे सर। नीचे है।
तो यहां पे कुछ बेयरिश कॉन्फर्मेशन आ रहा है, राइट? इस वाली जगह पे। तो अब देखते हैं कि जब ये टूटा तो यहां पे ओपन प्राइसेस 9449 और लास्ट प्राइस 90, तो डेफिनेटली लेवल टूटा है। तो इसमें 100 100 रुपीज के लेवल्स हैं। करेक्ट। गाइस आवाज आ रही है? ओके यस सर, आ रही। तो ये 100 रुपीज के लेवल्स हैं सारे। तो यहां पे कहां कॉन्फर्मेशन आया? यहां पे कॉन्फर्मेशन आया अपने पास, ठीक है। इस वाली जगह पे कॉन्फर्मेशन आया है कि मारुति बेयरिश है और इस वाले दिन पे 9449 पे ओपनिंग है और क्लोजिंग और या फिर लास्ट प्राइस जो है 9210 पे है। तो 9300 का लेवल, 9400 एंड 9300 का लेवल क्लियरली ब्रेक हुआ है। नाइन्थ ऑफ अगस्त, नाइन्टी फोर हंड्रेड एंड 9300। ठीक है, तो इस दिन पे ब्रेक हुआ है। अब या तो वो इसको रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है, या फिर अगर हम देखें तो यहां से ये जो प्राइस है ये 9200 को तोड़ चुका है। ठीक है, ओके, 9100 पे भी ये जा चुका है, ये देखिए इस वाली जगह पे। पर 9100 पे बड़ा अजीब सा एक पिक्यूलियर बिहेवियर आ रहा है कि इसके नीचे आकर के फिर ऊपर क्लोज हो गया था। बट एनीवेज, अगर हम 9200 लेवल्स को देखते हैं तो इस दिन पे तो ओपनिंग ऊपर थी, पर ये वाला जो दिन है, आज का जो दिन था, इसमें जो ओपनिंग है वो नीचे थी, राइट? यस नो, मे बी सर। ओके, अब आप क्या करोगे? ये वाली जो जगह है, यहां पे ये बाहर गया था ना सर, ये इसका सेलिंग जोन है। यस सर, ठीक है। अब इस दिन पे देखते हैं, पोजीशन 10 तारीख आज ही का दिन है, पर अपने को यहां पे कुछ खास पोजीशन बिल्डिंग नहीं दिख रही है। यस सर, ठीक है। तो इसमें जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली क्लियर नहीं है और वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि क्यों क्लियर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये जो मारुति का स्टॉक है इसका 1% कितना होगा? नाइन्टी रुपीज और सो से 100 रुपीज। ओके, तो 100 रुपीज इज जस्ट 1%, राइट?
तो 1% से तो अपना काम चलेगा नहीं, तो या तो 500-500 के लेवल्स बनाए, राइट, 5-500 के लेवल्स बनाए। अगर 5-500 के लेवल्स बनाएंगे तो ये लेवल कितना हो जाएगा, 9500, राइट। और जो इसका अगला लेवल होगा वो कितना होगा, नाइन थाउजेंड, यहां पे, करेक्ट। और यहां पे होगा 10,000, ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं तो आएगा नहीं ना, 1% में ट्रेड करोगे तो बहुत मुश्किल है, इतना तो नॉर्मल वॉलेटिलिटी होगा, ठीक है। तो अभी अपने को दिख रहा है कि ये 9000 लेवल्स पे तो गया नहीं है, या तो ये वापस आएगा 9500 से, इस रेजिस्टेंस को शायद बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पे कहीं पे दिख रहा है अपने को इस महीने का सबसे मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 9500 पे ही है, या फिर ये 9000 पे जाकर के बुलिश हो जाएगा, ठीक है, और बुलिश होकर के किसी एक दिन पे 9500 तक का डिस्टेंस जो है वो एक ही दिन में कवर कर देगा, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जैसे येस बैंक का ट्रेड देखा आपने, लॉन्ग देखा, हिंद पेट्रो भी लॉन्ग देखा एटसेट्रा, ठीक है, और भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे ही लॉन्ग है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, जब भी आप इस तरीके के काम को कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा दिमाग में एक चीज बिठा लें कि आपको, देखो महीने में अगर 4-5 ट्रेड भी कर लोगे तो 200-300-400% रिटर्न तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उस काम को और सॉलिड कैसे करें, मतलब उसमें से और फ्लॉस को कैसे हटा सकते हैं, उसको जो हटाना है उसके लिए आप क्या करोगे कि आप वापस रिपोर्ट्स पे चले जाओगे और इस बारी प्रोडक्ट से इंडाइसेस पे जाओगे, थ्री जेनरेशन एनालिसिस। इंडाइस पे गए, निफ्टी 50, पहला दिन कौन सा है, 7th, ओके, टिल डेट। यहां पे वॉल्यूम दिख रहा है, यहां पे हमें सिर्फ वॉल्यूम के साथ काम करना है, यहां पे वॉल्यूम दिख रहा है, यस सर, ठीक है। और ये निफ्टी 50 का पल्स रेट है, प्राइस है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे वॉल्यूम कुछ बढ़ा है, यस सर, ठीक है, हाई 11390 13 जो भी है, वट एवर इट इज, ठीक है। अगले दिन वॉल्यूम कूल ऑफ हुआ है थोड़ा, यस सर, ठीक है। तो जब वॉल्यूम कूल ऑफ हुआ है तो इसका जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे है, राइट, यस सर, इस वाले लो के नीचे आ गया है, ठीक है। अब इस दिन का ओपन कितना था, 350, राइट, तो 350 लेवल्स से इसका क्लोजिंग 46, सो 350 का लेवल है जो इसने ब्रेक किया है, राइट, सो 350 के लेवल पे हम एक लाइन खींचेंगे निफ्टी में,
ठीक है। अब ये कहानी हुई कब थी? ये हुआ था 1st अगस्त को ऑफिस, 2nd अगस्त को ये कॉन्फर्मेशन हुआ था, करेक्ट? सो 350 का लेवल है। तो 2nd अगस्त को ये कॉन्फर्मेशन हुआ था, तो अब होना क्या चाहिए? निफ्टी ऐसे जाकर के नीचे आ जाना चाहिए, यस ठीक है? ये नीचे खुला है, ये ऊपर जाके फिर नीचे आना चाहिए, राइट? ऐसा हुआ, नहीं यस ऊपर चला गया, ठीक है? तो इसने कंफर्म किया कि ये 350 लेवल जो है वो रेजिस्टेंस नहीं है। अभी पिछले क्लास में मैंने बोला था ना, थोड़ा कॉशियस रहना है, ये 350 का लेवल है, बोला था, यस ठीक है? वो इसी वजह से बोला था। ओके, तो यहां पे द द एंटायर मार्केट इज अबव दिस क्रूशियल लाइन। सो अबव दिस क्रूशियल लाइन इज लॉन्ग, बिलो दिस क्रूशियल लाइन इज शॉर्ट। इज दिस क्लियर? सर ओके, तो मार्केट जब तक 350 लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर है, इट इज बुलिश। ओके, जब मार्केट इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा बियरिश, मतलब उस समय पे हम बियरिश इवैल्यूएशन करेंगे उसका, ठीक है? दूसरा चीज ये है कि यहां से ये 350 लेवल्स को इसने ब्रेक किया, अगला लेवल इज 400, राइट? यस सर ठीक है, 400 लेवल्स यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो कि यहां से ये ऊपर नीचे हुआ, नीचे क्लोज हो गया, तो मतलब ये क्या है? रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस फॉर्मेट बना रहा है, राइट? नेक्स्ट यस डे ऊपर खुल गया, सेल ऑफ हुआ, ट्रेडर्स वांटेड टू शॉर्ट इट, सी, बिकॉज देर वॉज अ रेजिस्टेंस फॉर्मेशन, ट्रेडर्स वॉन्टेड टू शॉर्ट दिस बट इट कुड नॉट ब्रेक दिस 350, क्लोज हियर। नेक्स्ट डे डिड इट डू अ सपोर्ट फॉर्मेशन, यस ओके? तो इससे भी काफी कुछ पता चलता है, ओके? पर आपको जब ये की लेवल आइडेंटिफाई हो जाएगा निफ्टी में, अगर प्राइस ऊपर चल रहा है, अगर निफ्टी उस लेवल के ऊपर चल रहा है, तो आप बुलिश रहेंगे, ठीक है? और अगर निफ्टी उसके नीचे चल रहा है, तो आप बियरिश रहेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अगर बियरिश रहेगा तो पुट्स में रहेगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अगर बुलिश रहेगा तो कॉल्स में रहेगा। इज दिस क्लियर? सर ये 11360 एंड 11400 वुड बी द बाइंग जोन, राइट? 11360 इज वेयर द लो इज, दिस वन, राइट? या ठीक है। तो सो दीज आर द काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स दैट यू कैन यूज, प्लस यू हैव लर्न्ड अ लॉट अबाउट हाउ टू लुक एट निफ्टी एंड ऑल दैट। सो इफ यू विल लुक एट द प्रीवियस मंथ हाईज, द हाई इज समवेयर ओवर हियर, करेक्ट? इफ द हाई इज समवेयर हियर,
The price is already running in the bullish territory. This is also giving you a lot of information. Second, what is Nifty doing these days? Is it building lifetime highs? Yes, sir. न्यू लाइफ टाइम हाईज बन रहा है, ठीक है? तो बेरिश तो है ही नहीं ना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो अभी फिलहाल जो आप स्टिक करोगे किसी भी महीने में, अगर आपको निफ्टी ट्रेंड बुलिश दिख रहा है, ठीक है, तो आप बाइंग साइड के स्टॉक के साथ ज्यादा रहोगे, ठीक है? और अगर किसी महीने में आपको निफ्टी बेरिश दिखेगा तो आप सेलिंग साइड के स्टॉक्स के साथ में रहोगे. क्लियर? ओके. दूसरा चीज सर, अभी सपोज बोलो बोलो बोलो. एक हफ्ते बाद जैसे निफ्टी उसमें आ जाता है सपोज 350 के नीचे, तो फिर हम शॉर्टिंग वाले स्टॉक्स पे शॉर्टिंग वाले स्टॉक्स पे फोकस करेंगे. ओके. नेक्स्ट चीज क्विकली, ये एक वीक था राइट, 30th जुलाई, 30th, 31st, 1st, 2nd, 3rd, दिस वॉज अ वीक राइट. जो उसका अगला वीक था वो ये था राइट, करेक्ट? यस. ठीक है, अभी मैं 2nd जुलाई से डेटा उठा रहा हूं, ठीक है? ये एक वीक स्टार्टिंग का डेटा है, ठीक है? इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको कि ऐसे वो करें. तो 1, 2, 3, 4, 5 राइट. ये जो है ये एक वीक का डेटा है. इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे दिख रहा है 30 या फिर 304, ठीक है? ओके, आई हैव अनम्यूटेड म्यूटेड एवरीबॉडीज माइक. जो भी बात करना चाहे अनम्यूट कर लें. ओके, तो यहां पे मुझे दिख रहा है 304, फाइन. अब जब नेक्स्ट वीक चालू हुआ है तो वो 9, 10, 11, 12, 13 यहां तक है. इसमें मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम क्या दिख रहा है? लेस देन 304 राइट. यस सर. ओके, पर हाईएस्ट अपने को दिख रहा है 183, 200, 229, 256 मेरे को हाईएस्ट दिख रहा है, करेक्ट? अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं 16, 17, 18, 19, 20 ये वाला वीक. इसमें जो मुझे हाईएस्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 232, विच इज अगेन लेस देन द प्रीवियस वीक. यस. नेक्स्ट वीक में 23rd से शुरू हो रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है 376 यहां पे, विच इज डेफिनेटली हायर देन द प्रीवियस वीक राइट. यस सर. ओके, नाउ व्हाट इज द हाई एंड लो ऑफ दिस डे? द हाई इज सम 11,185.85 राइट. ठीक है, तो नेक्स्ट डे पे जब वॉल्यूम्स कूल ऑफ हुए थे तो अपने को दिख रहा है कि ये इसके ऊपर जाके क्लोज हो गया था राइट. तो फंडामेंटल मार्केट डायरेक्शन क्या था? डिमांड. ठीक है, तो अभी डिमांड है. ओके, तो जब तक कोई वीकली वॉल्यूम नहीं टूटेगा नेक्स्ट टाइम,
तब तक ये डिमांड में ही रहने वाला है, समझ गए इसको दादाजी सर। एनालिसिस। द सेम अप्लाइज फॉर सेक्टर्स, निफ्टी प्राइवेट बैंक को उठा के दिखा दे रहा हूं एज एन एग्जाम्पल। ओके, ओके, क्या हो गया, सॉरी गाइस फॉर सच अ लेट क्लास। क्या हो रहा है, आपके यहाँ खुल रहा है क्या ये? ओके, तो ये प्राइवेट बैंक का डेटा है, ठीक है। मैंने 16 जुलाई से ओपन कर लिया, विच वॉज द स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश वीक, ठीक है। अभी देखते हैं ये जो 23rd वाला वीक है, इसमें जो हाईएस्ट वॉल्यूम अपने को दिख रहा है वो कुछ 151 का दिख रहा है, राइट, ठीक है। और ये जो 16th जुलाई वाला है, इसमें जो अपने को कुछ हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है वो 139 का दिख रहा है, राइट, सॉरी 123 का दिख रहा है, 167 का दिख रहा है, ठीक है। तो 167 151 नेक्स्ट 151 127 और समथिंग, ओके, सो 167 वॉज द हाइएस्ट इस वाले वीक में। जब कूल ऑफ हुआ, ठीक है, दिस वॉज द हाइएस्ट वॉल्यूम, जैसे ही कूल ऑफ हुआ था तो ये साइडवेज हो गया था, राइट, ठीक है। अब कोई वीकली ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, राइट, कोई वीकली ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं 57 यहां पे वॉल्यूम बढ़ा, 300 समथिंग हो गया, अगले दिन फिर कुछ नहीं हो पाया, कूल ऑफ हुआ, यहां पे बढ़ा 396, अगले दिन 548 कूल ऑफ पे चला गया, इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर आप देखो 27 जुलाई ऑनवर्ड्स, ठीक है, 27 जुलाई ऑनवर्ड्स इट इज ऑन अ व्हाट, डिमांड, इट्स बुलिश डिमांड। अब अगर यहां पे देख लें एक बार, मान लो, या इसके बाद तो खैर ऊपर ही गया, पर अगर यहां पे देख लो अगर आप, तो 1000 से 160, ओके, एंड 158, इट इज स्टिल साइडवेज, राइट, यस सर। When it is sideways, then the breakout should happen on the primary fundamental trend side.
क्या है ये बेरिश हुआ है ना, उससे लो के नीचे क्लोजिंग है ना इसमें? नो नो नो, कहाँ लो के नीचे? 879 है ना? अरे ठीक है, तो साइडवेज है ना, तो अगर साइडवेज है तो वो पुराने ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, अदरवाइज उसको ट्रेंड बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है जब साइडवेज हो जाता है मार्केट, तो कुछ ऐसे पैटर्न्स बनेंगे आपको, ये आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। होगा क्या, प्राइस ऐसे जा रहा होगा, फिर साइडवेज हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर अगर इसको गिरना होगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, देखो मार्केट्स 90% ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहेगी, 10% ऑफ द टाइम्स जो है वो ट्रेंडिंग रहेगी। ओके, और वो जो 10% होता है उसी में ये वाला मोमेंटम आता है। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखो तो मोमेंटम, मतलब जो प्राइमरी डायरेक्शन, फंडामेंटल डायरेक्शन है, वो किस तरफ को चल रहा है? ऊपर की तरफ, राइट? यस सर, बुलिश, बुलिश है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, इस वीक को एनालाइज करूंगा मैं, जो अभी खत्म हो गया, अभी किसी चीज को आप अगले उसमें भी कर सकते हो। तो मेरे को ट्रेडिंग करना था मान लीजिए 6 तारीख से, 6th of August onwards, राइट, जो कि मंडे, तो मैं इस वाले डेटा को देख लूंगा जो कि दैट स्टार्ट फ्रॉम 30th of July। किसी का माइक अनम्यूट हो गया, विच इज 30th of July। ठीक है, तो अब ये जो 30th of July और 3 तारीख को जो क्लोजिंग हुआ है, ये क्लोजिंग का वैल्यू कितना है? 15620। ओके, सो 15621। इसका जो पिछला वाला हफ्ता था, इस पिछले वाले हफ्ते का यहां से लेके यहां तक जो हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज 684.05, राइट? दिस क्लोजिंग इज इट हायर? यस नो मे बी? सो 27th इट क्लोज्ड, टिल 27th इट इज 15565, 1 2 3 4 5, 15621। इज इट हायर लोअर? ओके, so this closing which happened on the Friday, last Friday, the closing happened at 15621, which is lot higher than the highest point of this particular week. Isko chart pe dikha dun, ठीक है, अपने पास तो होता नहीं है वो, इसी पे देख लेते हैं। तो 6 तारीख को अपने को ट्रेडिंग करना था, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 27th को पिछला वीक खत्म हुआ था, 23rd, 1 2 3 4 5 इज द बैंक निफ्टी क्लोजिंग अबव द हाई ऑफ प्रीवियस वीक? यस। ठीक है, कुछ ऐसा ही हुआ है, प्राइवेट बैंक में भी यही हुआ है,
ठीक है, वो आपने डेटा में देख लिया। तो डायरेक्शन क्या है, क्या कॉन्फर्मेशन आ रहा है? कि बुलिश ट्रेंड है। तो इतने सारे कॉन्फर्मेशन 3G एनालिसिस करने के बाद आप देख लोगे कि अगर सेक्टर बुलिश है, ठीक है, अगर वो बुलिश ट्रेंड ही शो कर रहा है आपको, तो जस्ट टिक विद द स्टॉक्स विच आर शोइंग यू बुलिश डायरेक्शन, विच आर गिविंग यू बुलिश ट्रेड्स। ठीक है, अब प्राइवेट बैंक क्या था, बुलिश था ना, तो यस बैंक को ट्रेड कर लिया, आप लोगों ने एक्सिस बैंक को भी ट्रेड करा होगा, राइट, आईसीआईसीआई बैंक को भी ट्रेड करा होगा, ठीक है, तो हुआ क्या उनमें प्रॉफिट? यस और नो? सर, ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे देखोगे, व्हाट वाज निफ्टी डूइंग? निफ्टी वाज बुलिश, राइट, मान लो दिस इज बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक वट एवर, बुलिश, करेक्ट। अब उसमें जो भी डायरेक्शन, जो भी स्टॉक बुलिश डायरेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर उसको ट्रेड करोगे तो वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? विच वन? विच वन श्रीधरन? यू टोल्ड डोंट ट्रेड नाउ अंटिल यू से, बिकॉज आई डिडंट ट्रेड एनीथिंग। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, देर आर 30 पीपल इन दिस बैच, टुडेज क्लास देर आर मोर पीपल, राइट, सो there are other guys also who are attending this class. Okay, right, okay, so guys, do you understand the importance of this forming a change, 3G analysis? Yes sir. ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड को पकड़िए, प्राइमरी ट्रेंड को समझिए, ठीक है। अगर आप इस बैंक निफ्टी वाला चार्ट को भी थोड़ा मैं छोटा कर दूं अगर, तो अपने को ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना, कि मान लो ऐसा कुछ हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो आया, लो नहीं टूट पाया, ऐसे हुआ और ऐसे चला गया, राइट, करेक्ट। और मेरे ख्याल से संडे को जो टेलीग्राम में मैसेज था वो यही था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है आप फोकस कर सकते हैं, जिसमें से बैंक निफ्टी में तो ब्रेकआउट भी था, ठीक है। तो अगर आप देखो तो if you will do the same thing for energy also, thematic, if you will do this thing for energy also, you will find the same thing, theek hai, tabhi hind petro I wanted to go long, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज है, if I talk about auto sector, ठीक है, अगर auto sector का भी बात करूं तो निफ्टी क्योंकि पॉजिटिव साइड था, I did not attempt to even think about shorting मारुति, ठीक है, I traded मारुति I guess on Monday or Tuesday whenever, okay, but I did a break inside trade.
ठीक है, एंड दैट ट्रेड वॉज ऑल्सो लॉन्ग, इट वॉज नॉट शॉर्ट, ठीक है. तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, आप लोगों को क्या करना होगा कि ऐसे 3G आप निकाल के, आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, तो आप ऐसा 3G एनालिसिस करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सेक्टर्स में आप काम करना चाहते हो. ठीक है, जैसे मेरे बोर्ड पे इस समय लिखा हुआ है, लास्ट वीक का, अभी इस वीक का तो मैंने नहीं किया है, लास्ट वीक का लिखा हुआ है निफ्टी 50 आप, नेक्स्ट 50 आप, मिड कैप आप, ऑटो साइडवेज, बैंक आप, कमोडिटीज आप, कंजम्पशन आप, एनर्जी आप, फाइनेंशियल सर्विसेज साइडवेज, FMCG आप, इंफ्रा आप, IT साइडवेज, मीडिया साइडवेज, मेटल्स आप, फार्मा आप, PSU बैंक आप, प्राइवेट बैंक आप, एंड रियलिटी आप. ठीक है, अब इनमें से निफ्टी बैंक, फार्मा, PSU बैंक एंड रियलिटी, दे ऑल्सो हैड ब्रेकआउट्स, वॉल्यूम ब्रेकआउट्स. ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसा फॉर्मुलेट कीजिए. ठीक है, तो माय बोर्ड वाज टेलिंग मी कि इफ दिस वीक हैज टू बी ट्रेडेड, इट कैन नॉट बी ट्रेडेड शॉर्ट. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप ट्रेड कर देते शॉर्ट तो आपको लॉस हो जाता, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं अगर वैसे देखूं तो अगर मैं लॉन्ग जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा होंगे. ठीक है, पर अगर आप इन की लेवल्स पे शॉर्टिंग भी करते हो तो कुछ गलत नहीं है ऐसा, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. आपने देखा है किस तरह से स्टॉक्स फंक्शन करते हैं, किस तरह से मूवमेंट्स बनाते हैं. ठीक है, अगर वो 570 से टूट रहा है तो 560 के आसपास जाकर के ही सपोर्ट लेगा. ठीक है, अगर वो 560 से नीचे सेल ऑफ हो रहा है तो वो 550 ही नेक्स्ट लॉजिकल लेवल है उसका. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. वेरी गुड, एनी क्वेश्चंस? यस सर. चलिए, एक्सेलेंट सर. बोलो सर, इसका रिकॉर्डिंग हमें ITA वालों को अवेलेबल रहेगा? आज आज वाले का मिलेगा. ठीक है, आज का रिकॉर्डिंग 2 parts में आएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ठीक है, हाँ ओके सर. ओके गाइस, तो हेलो सर. यस सर, वनु बाबू. हेलो सर, सरवण बाबू सर. हेलो सर, सरवण बाबू सर. 3G मींस फर्स्ट निफ्टी एनालिसिस, देन सेक्टोरल एनालिसिस, देन स्टॉक एनालिसिस, दैट्स ऑल सर? करेक्ट. यस सर. यस, ओके सर, थैंक यू सर. ओके गाइस, सो दिस वाज द कंटेंट. ठीक है, और सिंस इट वाज डिराइव्ड आउट ऑफ मास्टर्स लेवल ट्रेनिंग, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को इनवाइट किया, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया जो मैंने पढ़ाया. ठीक है, अगर कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं.
सर यस बैंक सर ये मंथली सर हाँ बोलो बोलो मंथली के लिए करने का है सर ये इंट्राडे में नहीं चलेगा सर नहीं इसमें एक्चुअली क्या है कि यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू ट्रेड लेवल्स ठीक है इसमें लेवल ओके सर आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो अगर इसमें हाँ आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे ना हाँ सर वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपको। यस यस ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है इसमें और जैसे ओके ही अगले लेवल को हिट करता है ना यस सर जो भी प्राइस है निकल जाओ उससे यस सर यस सर यस सर ठीक है और वो प्राइस ओ कम से हाँ कम आपको 60-70% के आसपास मिलेगा हाँ यस सर ठीक है और टेंशन ये नहीं रहेगा कि अगर आज नहीं गया तो कोई बात नहीं कल चला हाँ जाएगा हाँ अगर कल भी नहीं गया तो परसों चला जाएगा हाँ ठीक है तो इट इज लाइक अ स्विंग ट्रेडिंग। ओके ओके सर ओके थैंक यू सर हेलो सर हेलो हाँ डेनिस हाँ बोलो डेनिस हाउ डू वी मास्टर द फंडामेंटल्स कंप्लीटली जो भी फंडामेंटल्स आपने सिखाया उसको पूरी तरह से क्या देख के मास्टर करना है फंडामेंटल को हेलो मास्टर कैसे करना है? हाँ 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 क्योंकि कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हाँ तो मेहनत करना है और क्या? जो क्योंकि आपने बच्चा जो देश मान लीजिए कोई बच्चा है मेरी छोटी बेटी है ठीक है और मेरी मेरी दो बेटियां हैं ठीक है बड़ी वाली अभी 9th में है छोटी वाली 5th में। जो मेरी बड़ी बेटी है उसको मैं एक बारी कोई चीज बता देता हूँ उसको फटाक से समझ में आ जाता है सब। जो मेरी छोटी वाली बेटी है उसको ABCD पढ़ाने में मतलब हम लोगों के पसीने छूट गए थे ठीक है तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो आपको अगर थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है तो आप समय दीजिए उसी से हो पाएगा। जैसा जैसे रवि जो है रवि जी जो है वो काफी अच्छी तरह से उन्होंने अंडरस्टैंड किया है फंडामेंटल्स को तो मतलब सबका तो लेवल वैसा नहीं होता है तो आपने सही बोला है मेहनत तो करना है देखो रवि और कोई इज दूसरा आपका आउटस्टैंडिंग जो ठीक है हर क्लास में अगर 50 लोग होंगे तो कोई तो फर्स्ट आएगा ना तो अभी रवि फर्स्ट है वो क्लास का टॉपर है ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग बुरा कर रहे हैं ही इज एन आउटस्टैंडिंग गाय बट बाकी लोग भी अच्छा कर रहे हैं एज लॉन्ग एज मैंने एक आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है 50% 50% एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू 50% यू आर डूइंग गुड। अगर आप 50% से कम कर रहे हो तो वर्क हार्ड बिकॉज यू कैन इजिली डू 50% इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और आप लोग तो मतलब प्रैक्टिकल देख रहे हो ये सब मैं कोई मतलब हवा में तो बात नहीं कर रहा हूं ना यू आर सीइंग एवरीथिंग प्रैक्टिकल ठीक है तो 50% तक पहुंचना है जैसे वहां पहुंच जाओगे उसके बाद फिर देखेंगे कि 100 पे कैसे जाना है 200 पे कैसे जाना है। ठीक है और रवि आपने बार बढ़ा दिया है बहुत हाँ वो ऐसी कोई बात नहीं है सर बस यही है कि मेहनत तो हमें ही करनी है अगर कुछ अच्छा इजीली रिटर्न निकालना है तो इसके लिए सर स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना इजी नहीं है मैं यह समझता हूँ हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है क्योंकि मैं करता हूँ तो मेरे भी सर पसीने छूट जाते हैं ऐसी कोई बात नहीं राइट नहीं वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। चलिए ओके गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम आई होप कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। सर थैंक यू थैंक मोस्ट वेलकम फार यू सर थैंक यू सर मोस्ट वेलकम शिव योगी थैंक्स यस सर थैंक यू सर हेलो यस सर या डेनिस आपसे एक रिक्वेस्ट है हेलो हाँ बोलो अगर डेनिस मौका मिलता है तो एक एक रिक्वेस्ट है आपसे अगर
फ्यूचर में कभी भी एक मौका मिले फंडामेंटल का थरल रिफ्रेशमेंट अगर आप कर सकते हैं तो बहुत रुपया होगा आपका। ठीक है, मैं एक स्पेशल क्लास करा दूंगा, ठीक है, इस वीकेंड तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, नेक्स्ट वीकेंड में करा दूंगा। चलेगा, क्योंकि जितने भी जो नए लोग हैं मेरे जैसे तो उनको भी रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा तो वो आसानी से वो सब समझते और निकल सकते। हाँ ठीक है, मैं करा दूंगा, नेक्स्ट वीकेंड पे देखता हूँ मैं, एक टाइमिंग निकाल के मैं कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स, थैंक यू सर, गुड नाइट, यू मोस्ट वेलकम सर। रामू, द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, all right guys, so the 8 p.m. batch we will meet on Monday, same time, 8 p.m. good night all of you, bye bye, thanks.